जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए चर्चा करने वाले हैं कि लोग जलते क्यों हैं हमसे। ना हम किसी का बुरा चाहते हैं, ना हम किसी का जाने अनजाने में कुछ बुरा चाहते हैं। हमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, हमने लोगों की मदद की है और कई बार तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की है जो हमारे हमारे जो दायरे होते हैं उससे बाहर के, हमने किसी की जाकर हेल्पिंग की, मदद की, लेकिन उसके बाद भी लोग हमसे क्यों जलते हैं। कई बार जिन लोगों से हमारा कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेना देना नहीं है, पर भी वो हमें बिना जाने पहचाने हमें हमसे जलते हैं। कई बार जिन लोगों को हमने कभी कुछ अहित नहीं किया, पर वो हमारे बारे में गलत ह्यूमर फैलाते हैं, लोगों को हमारा गलत बातें हमारे बारे में फैलाते हैं, और लोग आखिरकार हमसे जलते क्यों हैं, ये विषय आज का है। और ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो मैं इस वीडियो में बातें आपको बताने वाला हूँ, इन्हें अगर आप जान लेंगे तो ये जो जलने वाले जो एक फैक्टर है या जलने वाले जो लोग हैं या जो भी लोग हैं जो आपका अहित चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, इनसे आप बहुत आसानी से बच पाओगे और बहुत आसानी से इनका सामना और इनसे बाहर आ पाएंगे। कई बार हमें ये पता होता है कि ये व्यक्ति हमसे जलता है, कई बार हमें लेकिन कई बार ये नहीं पता होता है। हमें 100 लोगों में से 10 लोगों का तो पता होता है कि ये जलता है, लेकिन 90 लोगों का नहीं पता होता है कि 90 मोर्चों पर भी हमें लड़ना है। और ये जो युग है ये एक अलग ही युग है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। तो हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभो, हर हर महादेव। और अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहली बात कि जब भी कोई व्यक्ति हम पर जलता है तो वो हमें हमसे जब भी वो जलता है या जो भी उसकी प्लानिंग होती है, आप बहुत सच्चे अच्छे और नेक इंसान हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस दुनिया में बहुत अच्छे और नेक इंसान भी हैं, स्वतः ही वो लोग आपकी मदद करने को आ जाएंगे। या वो नहीं भी चाहते होंगे, उसके बाद भी उन्हें आपकी मदद करना होगी। तो सीधी सी ये जो बात है, एक पॉइंट में इस बात को आप बहुत गंभीरता से समझ जाए कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छे इंसान का जलते हैं या उसका बुरा चाहते हैं, वो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा होती है। आपके साथ ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है, भगवान आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपने कभी भी पूरी ईमानदारी के साथ किसी का अहित नहीं चाहा है। और जो व्यक्ति अहित नहीं चाहता है वो ईश्वरीय तुल्य हो जाता है, वो सबकी मदद करना चाहता है, जो सबकी हेल्पिंग नेचर हो, तो वो अपने आप में ईश्वर तुल्य हो जाता है। मैं ये घमंड की बात आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक ईश्वर, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं चाहता है, सबका भला चाहता है। तो ऐसे जो उसके बंदे होते हैं उनका वो बहुत ख्याल रखता है, उन्हें हमेशा खुश रखता है, और कभी भी चाहे कुछ भी हो आप हताश और निराश मत होना। अगर आप हताश निराश हो गए तो ईश्वर दुखी होगा।